तस्वीरें सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के बरनाला रोड आवास की हैं, जहां रविवार को कैबिनेट मंत्री ने जन समस्याओं को सुनते हुए समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने जेल में कैद कैदियों को ओमिक्रॉन से बचाने के लिए पूछे गए सवालों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, लेकिन हिदायत के तौर पर रेगुलर मुलाकात बंद कर दी गई ताकि जेलों में कोरोना का फैलाव ना हो। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने वो आप भी सुनिए। देखिए, नंबर ऑफ ओमिक्रॉन तो बहुत ज़्यादा है, जो पिछले दोनों कोरोना में भी इतना नहीं था जो अब के हो रहा है, पर मैं समझता हूँ इतना ये डेडली नहीं है। थोड़ा आदमी अफताक होता है जो सुन रहे हैं डॉक्टर की रिपोर्ट के गले तक आते हैं, आगे लंग्स में नहीं जाता, पर स्प्रेडिंग पावर बहुत ज़्यादा है। पहले से पिछली बार जब 1.5 लाख हुआ था तो हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, रूम की प्रॉब्लम, मतलब बड़ा मीडिया में हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। अब ऐसा बताऊँ आज 2 लाख से ऊपर हो रहा है, कितना है आज मेरे ख्याल में 2 लगभग के करीब है। कोई ऐसा पैनिक नहीं है, हॉस्पिटल में बेड खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट अपनी पूरी तैयारी है, पर लोगों को बड़ी यही है कि लोग अपने आप को डिस्टेंस करें। आप हम आपस में खड़े हैं, सब ने कोरोना मास्क लगा रखा है, तो इससे थोड़ी बचत तो सारी है। और पिछली बार भी जो कर्फ्यू लगा या जो लॉकडाउन था, उसका मतलब ये था कि डिस्टेंस करो, घरों में लोग अपने आप को मेंटेन करें, रखें, थोड़ा ध्यान रखें, तो कोई दिन निकल जाएगा। सर, जेल मंत्री है, जेलों में भी काफ़ी केस कोरोना के सामने आ रहे हैं, क्या एहतियात? पिछली बार जो हमने करा था, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई मैसेज नहीं आएगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से ये था कि सब कैदियों को बाहर भेजो, तो उसमें कुछ हमें मॉडलिटीज तय करी थी। उसमें एक हाई कोर्ट के हमारे जज थे, ऑनरेबल राजेंद्र जी, वो थे हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे DGP थे और एक एलआर थे, चारों ने मिलकर डिसाइड करा था। अगर हमें लगता है कि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उनकी डायरेक्शन जाएंगी, उनकी डायरेक्शन आने के बाद ही करें। भी सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए। वैसे हमने अपने आप करा है कि जो अंदर हैं उनसे एक तो मुलाकात बंद कर दो सबकी, सब लोगों से आजकल जो रेगुलर मुलाकात होती है बंद कर दी, और इसके बाद जो स्टाफ के मेंबर हैं वो बाहर कम जाएं, बाहर के लोगों का तो आना होता ही नहीं, और जो नए कैदी आ रहे हैं उन्हें पहले उन्हें चेक करके आइसोलेशन में रखें, उसके बाद अंदर जाने दें। तो सर, कल इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है, अपने पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहाँ भी चुनाव हो रहा है, क्या स्थिति लग रही है? हालांकि सरकार कांग्रेस की है, क्या स्थिति क्या लग रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जो रास्ते में जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण रहा, एक प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाने के लिए वो कॉरिडोर नहीं दे सके, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था, इसका आम जनमानस पे बहुत उल्टा असर जाता है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, उसमें आपका राइट टू फ्रीडम पहली चीज़ है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसी टोटल अलग अलग चीज़ें हैं। जब प्रधानमंत्री को भी देश में अगर ये सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर आम आदमी कहेगी ये सबसे बड़ा सेंसिटिव मामला है। मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग बहुत रिवर्ट करेंगे, इसका उल्टा रिएक्शन होगा, कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं रहेगी, अब फाइट रहेगी BJP और जो अमरिंदर सिंह की, इनकी जो एक अलायंस है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उसमें, और आम आदमी पार्टी और जो किसान संगठन जो कह रहे हैं बना है उसी मेरे कांग्रेस बात है। किसान संगठन कितने का सम्मान है आपको कहूँगा मैं? देखिए, अभी पहली बार लोगों में जा रहे हैं, मैं नहीं मानता अभी कितना क्या असर पड़ेगा, लोग इनकी कितनी सुनेंगे, क्योंकि अब तक ये कहते रहे कि हम किसी नेताओं को मंच पे नहीं आने दे रहे, तो ये कहते थे हमारा राजनीतिक पार्टियों से लेना देना नहीं। अब राजनीतिक पार्टी बना के अगर लोगों में जाएंगे तो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, तो लोगों पे है। चुनाव भी लड़ रहे हैं किसान, चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं चुनाव लड़ने की बात, अभी देखिए चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि इसका कितना इम्पैक्ट, मीटिंग्स करेंगे लोगों का क्या। अकाली दल भी एक फाइट में है, चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं आप? सर, जरूर पड़ेगा चुनाव प्रचार, BJP के सहयोगी हैं हरियाणा में, क्या BJP के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे पंजाब में? अगर हमें कोई मैसेज पार्टी की तरफ से मिलेगा तो बिल्कुल। साथ ही उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा के चूक के सवाल पर कहा कि जो कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पाई तो आम आदमी को कैसे सुरक्षा मिलेगी, इसके परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे, इस प्रकरण से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ेगा।
किसानों के पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसान संगठन राजनीतिक पार्टियों से दूर रहने और नेताओं के मंच साझा नहीं करने की बात करते थे। अब राजनीतिक पार्टियां बनाकर चुनाव मैदान में हैं। जनता इन्हें कितना पसंद करती है और कितना समर्थन देती है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।